अस्सलामुअलैकुम। ये है जी यूरो का चार्ट। यूरो इस वक्त तकरीबन 0980 के आसपास चल रहा है। तो यूरो में आज हमारे क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं। आज जो रेजिस्टेंस रहेगी हमारी यूरो में वो रहेगी 10-20 की। ये अगर ब्रेक करे तो जो नेक्स्ट लेवल है वो 10-40 और 10-65 के हैं। और अदर साइड जो हमारी सपोर्ट है वो है 0935 की। ये अगर ब्रेक हुई तो आप कह सकते हैं कि राउंड फिगर फिर 0900 के आसपास यूरो जा सकता है। इंट्राडे के लिहाज से अभी भी जो यूरो का ट्रेंड है वो वीक ही चल रहा है। ये है जी पाउंड। अगर हम देखें तो फिलहाल 31.86 के आसपास चल रहा है। तो इसमें आज हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं। इसमें आज जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 32.25 की। इसके ऊपर 32.50, 32.70 और 3300 की तरफ जा सकता है। ऑन अदर साइड जो हमारी सपोर्ट रहेगी आज वो रहेगी 31.35 की। इसके नीचे 3100 और 3080 की तरफ जा सकता है। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से पाउंड का ट्रेंड भी वीक ही चल रहा है। यह है जी जूजे 121.35 के आसपास चल रहा है। तो इसमें आज हमारे क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं। इसमें आज जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 121.70 की। और जो सपोर्ट रहेगी जूजे में वो हमारी रहेगी 120.70 की। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से जो जो यूजे का ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही चल रहा है। ये है जी NZD USD 6957 के आसपास चल रहा है। तो इसमें क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं। इसमें हमारी रेजिस्टेंस रहेगी जी आज राउंड फिगर 7000 की। और सपोर्ट रहेगी इसमें हमारी 6915 की। और इंट्राडे के लिहाज से ये फिलहाल भी पॉजिटिव जोन में चल रहा है। ये है जी सिल्वर 25-25 के आसपास के इसने हाई बनाए हैं और फिलहाल $25 के आसपास चल रही है। तो इसमें हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं। इसमें हमारी रेजिस्टेंस रहेगी 25-25 की। इसके ऊपर 25-40 और 25-60 की तरफ सिल्वर जा सकती है। अदर साइड जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 24-70 की। इसके नीचे 24-50 और 24-30 और $24 की तरफ सिल्वर जा सकती है। फिलहाल सिल्वर आप कह सकते हैं कि फ्लैट टू पॉजिटिव जोन में चल रही है। यह है जी यूएस साइल 114.50 के आसपास चल रहा है। इसमें ज़रा आप ख्याल कीजिएगा क्योंकि आज आपको पता है कि यूरो लीडर की वो जो सुमत है उसमें इसमें क्योंकि रशिया की तरफ से भी ज़रा कुछ जो इसके इशू आ रहे हैं कुछ पेमेंट्स के कुछ पाबंदियों के, तो इसलिए ये ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है। तो इसलिए बगैर स्टॉप लॉस आप इसमें नहीं चलना। रेजिस्टेंस है हमारी 117.30 की और सपोर्ट है हमारी 110.50 की। इंट्राडे के लिहाज से फिलहाल क्रूड ऑयल पॉजिटिव जोन में ही चल रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।